पब्लिक टीवी आपकी आवाज। जनपद मुरादाबाद के मूढ़ा पांडे थाना क्षेत्र के बरवाला खास गांव के राशन डीलर प्रधानपति और भाजपा नेता का ऑडियो वायरल मामले में पुलिस ने दो केस दर्ज कर लिए हैं। एक केस राशन डीलर विपिन कुमार की ओर से दर्ज किया गया है, जिसमें प्रधानपति नफीस पर अवैध वसूली करने और विरोध पर जाति सूचक शब्द कहकर अपमानित करने का आरोप लगा है। इसके अलावा आरोपी नफीस ने जान से मारने की धमकी भी दी। नाम विपिन कुमार है। अच्छा, क्या हुआ, किस लिए आगे अपने एप्लीकेशन दिया? मैंने सर एप्लीकेशन इसलिए दी है, मेरे गांव के प्रधानपति नफीस अहमद, पुत्र रईस अहमद, वो मुझे डेली टॉर्चर कर रहे हैं। मैं राशन डीलर पति हूँ, मुझे टॉर्चर कर रहे हैं बार बार, पैसे दे नहीं तो दुकान नहीं चलाने दूंगा। मैं प्रधानी का चुनाव लड़ा था, मुझसे रंजिश रखते हैं वो इस कारण कि ये प्रधानी का चुनाव लड़ा, उसके बाद में मैं 4 साल से राशन डीलर हूँ। आज तक मेरे वितरण में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है। आज मेरा रिकॉर्ड आप पूछोगे जाके मेरे ऑफिस में सप्लाई विभाग में, तो मेरा आज तक कोई भी शिकायत नहीं है। 1000 कार्ड है मेरे गांव में दुकान पे, लेकिन जिस दिन से ये प्रधान बने हैं इन्होंने मेरा जीना दुश्वार कर दिया है। 15,000 रुपये और 5 कट्टे हर महीना पहुंचा दे, अगर नहीं पहुंचाएगा तो तेरी दुकान नहीं चलने दूंगा। और मेरे घर पे 2 बार चढ़ाई कर दी, एक बार हमारे घर पे बोले आके पूरा परिवार के, इसके बेटे थे और ये थे सब लोग, बोले 5 मिनट लगेंगे टुकड़े करने में, मैं देखूंगा तेरे कितना बड़ा तू हिंदूवादी है, आरएसएस से जुड़ा, किस चीज़ से जुड़ा है, मुझे इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। ऐसे रहे जैसे क्या और सब लोग रह रहे हैं, तू ज़्यादा उड़ रहा है। अच्छा, दूसरा केस प्रधानपति की तहरीर पर दर्ज किया गया है, जिसमें भाजपा नेता पर रंगदारी मांगने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने समेत अन्य आरोप लगाए गए हैं। जबकि राशन डीलर की तहरीर पर प्रधानपति के खिलाफ SC/ST एक्ट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक मूढ़ा पांडे के बरवाला खास निवासी प्रधानपति नफीस ने भाजपा नेता दिनेश ठाकुर और राशन डीलर के खिलाफ केस दर्ज कराया है, जिसमें नफीस ने बताया कि राशन डीलर विपिन कुमार लोगों को ठीक से राशन नहीं बांट रहा था। मैंने अपनी मौजूदगी में राशन बंटवाना शुरू कर दिया था, राशन डीलर ने मोबाइल से मेरी बातचीत रिकॉर्ड कर ली थी। ईद के लिए तो खैर भाई देखो, तुम्हारा घर तो बड़ा बड़ा हो गया, हर आदमी मिलने आएगा, तो कम से कम ना भी तो कम से कम 8-10 तो पतीले पक जाएंगे तुम्हारे घर, ना उठने उठने तेरा क्यों है इसमें, जो बात है वो बात सही है ना, मैं ना ले रहा बस। अजी चलो वैसे ना लोन ले रहा, अरे फिर बस इसमें रख लियो, अगर मेरा अगली बार चलो फिर दे लियो, दे दूंगा ना ना मैं दे दूंगा, अरे भाई ना है इस पे, अरे लूंगा पैसे भाई, अरे सुन तो लो मेरी, एक मिनट ये तेरा सही हो गया, अरे यार सुन तो लो मेरी बात, अरे मेरी सुन ले एक मिनट, तो कोई बढ़ रहे हैं कि अरे बिपिन चुप तो आओ, मैं सुन ले कह रहा हूं, इतने गई पैसे बचे, देख इतने दिए 10,000 रुपए तो तुम्हें दे दे यार, तुम्हें चलो के तरफ दिए वो 10,000 रुपए पिछले वाले, हां अभी इन दोनों में कोर्टों में, तो दोनों कोर्टों में एक एक बार दोनों में 15,000 तय हुए, तो गई पैसे तो बढ़ गए दो, हाँ तो 15-13 तो बढ़ गए, तीसरा आ गया, अरे तो क्या बैठ चोरी गया अभी, अरे भाई दो तो बढ़ गए, अरे तो भाई मामू तो क्या उनके ही तो दे रहे हूँ, 2,000 रुपए अरे गे तो रखो कम भाई, यार मेरी बात सुनो, इसका काम अच्छा नहीं है यार, अरे चल अब मत करिए भाई, इसमें कौन सा क्या काम गंदा कर रहे हो, मैं देख मेरी बात सुन ले, पैसे की बात नहीं है, मैं पैसों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो इसका तय है दोनों कोठों का, वो इसके दोनों कोठे बढ़ गए, मैंने पैसे इतना मांगे, हाँ तो आप दे मांगे तो कल से पैसे, हाँ दो कोठे बढ़ गए, उसमें कोई वो थोड़ी है, अब तो 60,000 रुपए तो हो रहे हैं, तो रखो मेरी बात, हाँ तो रख तो लो, दे दूंगा वो भी, 2,000 बोले मारूंगा तुम्हारे पैसे ना आए यार, गए अब तुम्हें क्या पता इनने किस क्या लिया, मैंने चलो धक्का दो लाइन में लगाऊंगे भी तुम्हारे खातिर, मैं कैनरा बैंक में हूँ, और दे देगा भाई, इधर रखो 2,000 में, अरे नहीं दे जाऊंगा, मेरे पास ना आया ना वो, मैं टूट जाऊंगा, मैं ही नहीं दे जाऊंगा, अरे भाई का रकम तो, अच्छा मतलब मैं ये नहीं दे जाऊंगा 2,000 ले लियो भाई, रखो यार
पैसे हैं मुझ पे, लेकिन 5,000 हैं वो धान लगवाए, मजदूर का काट रहे हैं 20,000 रुपए। मुझे भी किसी के देने हैं, मैं इन यार मामू 2,000 रुपए ना रुक रहे तुमसे तो ले लिए भैया मेरे मेरे पैसे। अरे सुन तो लो, ये कह रहे हैं आज ने ऐसी बात बताई मुझे कि मैं घूम गया तो बोला यार मान ये पैसे दे दे मुझे, मुझे किसी को देने हैं। मैंने तुझे 20 फोन कर दिए, पर कल से मैं ऐसे पैसों के टाइम फोन ना करता हूं। फिर क्या करो 15 लोग किसी के देने हैं, किसी के पैसे चलो अपने पास डाल के दे दी, जब बेटे ला रहा हूं एक पैसा नहीं है। अरे तो भोड़ी को तेरा दे दियो, चलो तो मेरी बात रखो इधर रखो यार।